कड़ी है दर्द, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उन्हीं के सरकारी नुमाइंदे अभिलेखों में हेरा फेरी कर 28 करोड़ से ज़्यादा का चूना सरकार को लगा चुके हैं। इस मामले में मंडी समिति के डायरेक्टर ने जांच कर मंडी समिति रामपुर के सचिव गजेंद्र सिंह सहित कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा बड़े स्तर पर जाँच की जा रही है। यह घोटाला मंडी समिति के अभिलेखों और गेट पास में किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि मंडी समिति में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। इस संबंध में जल्दी अधिकारी और कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे, साथ ही इन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अभी जांच चल रही है। उपनिदेशक प्रशासन विप्रल मंडी परिषद मुरादाबाद। घोटाले के दो पार्ट थे, एक तो यहाँ अभिलेख, ये लगभग जनवरी के लास्ट वीक में जानकारी में आया था। उसके बाद में जो कर्मचारी इसके लिए प्रथम दृष्टया सबसे ज़्यादा दोषी था उसके खिलाफ FIR हुई, वो नदारद है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, FIR चल रही है। तो विभागीय कार्रवाई सचिव को करानी है, पूरी सचिव साहब को कह दीजिएगा तेज़ी से कराए। दूसरी चीज़, उसके जो अभिलेख हैं उनको कब्जे में लेने के, वो उनसे सचिव साहब से कह दिया और उनके सभापति जी से भी कह दिया गया, उसको करा लें ताकि उसकी जाँच कराई जा सके। मंडी परिषद लखनऊ से एक कमेटी गठित हो गई इसके ऑडिट करने के लिए, तो वो तभी काम कर पाएगी जब ये अभिलेख वहाँ उपलब्ध करवाए उनके सामने, तो बारीकी से निकालेंगे। जो अंतर या गबन या चोरी कर लेगी धनराशि, उसका अमाउंट जो अभिलेख इनके पास मौजूद हैं जो 4-6 महीने जून तक के इन्होंने निकाल लिया है, जो लगभग 3.5 करोड़ का अंतर मात्र 6 महीने में है, जून 16 से और दिसंबर 14, 3.5 करोड़ 6 महीने में। जो मेरे अनुमान लगाया था कि ये 10-15 करोड़ हो सकता है और ज़्यादा भी जा सकता है, तो ये अभिलेख पूरे सामने आने पे, उनकी पूरी जांच करने पे ही क्लियर हो पाएगा। उनको सचिव साहब को पूरे निर्देश दे दिए गए कि तेजी से कार्रवाई करें, उस अभिलेखों को बाहर निकलवाएं अपने प्रॉपर नियम कानून के तहत, उनकी जाँच करें। कितने का घोटाला मान रहे हैं टोटल आप? ये एक घोटाला, मैंने एक मोटा अनुमान निकाला था कि एक ट्रक पर जो उनके गेट पास मैंने देखे थे मोटी नज़र में, तो एक ट्रक पर 200 से लेकर 400 कुंटल सामान लकड़ी लदी हुई थी। तो इनके कर्मचारियों से ही मैंने पूछा कि कम से कम 1000 रुपये तो मंडी शुल्क हो जाए, कम से कम, तो 2000 तक भी संभव है, 1.5 भी संभव है, 2.5 भी संभव है। उस कम के आधार पर ही लगभग 14 करोड़ बैठा है, कम से कम के आधार पर, तो 14 का डबल भी हो सकता है 28 करोड़, और 20-25-30 करोड़ तक समाप्त है। और जो अंतर का हमने एक जायजा लिया था वो लगभग 4 साल से लगातार है, 5 साल में लगभग जाकर बंद हो जाएगा। अच्छा, आखिर देरी क्यों रही, विलंब इतना क्यों हो रहा है कि जो अधिकारियों पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है उन पे चार्जशीट भी दाखिल अभी तक नहीं हुई है? नहीं, चार्जशीट वहाँ एक जो सचिव तो सस्पेंड हुए उनके लिए जाँच अधिकारी मुख्यालय की ड्यूटी है, उनके स्तर से कार्रवाई चल रही है। यहाँ जो कर्मचारी है उसमें कोई ढिलाई है इनके सचिव साहब की, तो उनको हमने काफ़ी टाइट निर्देश दे दिए, तेजी से कराए, उस कार्रवाई संपन्न कराएं, और चार्ज वाली सभापति जी से ही वार्ता हुई। कितने अधिकारी आ रहे हैं इसमें सामने? पहली नज़र में तो मंडी सचिव मॉनिटरिंग अफसर हैं यहाँ के, जो इस चेयर पर बैठे हैं जिम्मेवार अधिकारी हैं वो थे, और जो मंडी सहायक उस क्षेत्र में ड्यूटी करता था वो है, और वो आप जो अभिलेख बाकी जो भी बंद हैं वो सामने निकल के आएंगे, तो उसमें हो सकता है और भी इन्वॉल्व हो, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं और डायरेक्ट।